वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी बाज़ार से आया तो मैंने आते ही अपने कबूतरों की तरफ देखा, दाना वगैरह डाल रहा था, तो एक नया कबूतर आके मेरे कबूतरों के अंदर बैठ गया आके। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन सा कबूतर है और उसको कैसे पकड़ते हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखनी है आपने। दोस्तों, ये नया कबूतर आया और ये पानी पी रहा है। अभी मैंने पानी की कटोरी भर के रखी है यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह से, पता नहीं किसका कबूतर है। मैं अभी बाहर से आया हूँ तो ये देखें कबूतर आके बैठ गया। मादी लगती है, सब्ज़ परी है ये। ये देखें अभी फिर रही है, हम हालांकि यहाँ घूम रहे फिर रहे हैं, बस ये ऊपर से उड़ के आई है कहीं से यहाँ से। तो अभी मैं बाज़ार से आके देखा है तो ये कबूतरी बैठी थी यहाँ पर। अभी मैंने पानी डाला सारे कबूतरों को, अभी ये यहाँ पर पानी पिया। अब मैं इसको दाना डालता हूँ, देखो पकड़ना नहीं है क्योंकि मेरी आदत नहीं है पकड़ने की, यहीं बैठे रहते हैं। मेरे कबूतर भी आज़ाद फिरते रहते हैं, रात को पिंजरों पे बैठ जाते हैं। और कुछ अंजीर का दरख्त लगा हुआ है हमारे घर में, वहाँ पे बैठे रहते हैं कबूतर, बच्चे वगैरह बैठे रहते हैं। ये देखें घोंसला बनाया हुआ, ये देखें ये भी एक जोड़े ने यहाँ पर अंडे दिए हुए। फ्री रेंज मैंने कबूतरों को खुला छोड़ा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से फिरते रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बच्चे दे रहे हैं। ये देखें ये भी बच्चा बैठा है घर का, ये देखें ये रात को यहीं पे बैठे रहते हैं। ये छोटा सा शौक है, बाकी एक ये पेयर है मेरा, तो मैं इसको इंशाल्लाह दो चार दिन में इसके पर काट के थोड़े थोड़े इसको बाहर छोड़ूंगा, ये फिरता रहेगा बाहर। देखें अब ये दाना यहाँ रख देते हैं, मैं यहाँ दाना रख देता हूँ इनको, ये खाते पीते रहते हैं अपना दाना। अभी मैं इसको दाना डालता हूँ, नया कबूतर आया भूखा है, पानी तो पी लिया, अभी इसको थोड़ा सा दाना डालता हूँ, बल्कि किसी कटोरी में डालता हूँ पहले, ज़ाया ना हो ताकि दाना। ये देखें ये तसला है अभी लिया है, अभी इसमें से दाना भरते हैं। मैं सिर्फ गंदम डालता हूँ, घर की बची खुची सब्जी हो गई या कुछ हो गया। देखें कबूतर भूखे हैं, ये देखें खा रहे हैं, कैसे खाएँगे अभी। ये देखें कैसे आ रहे हैं मेरे पीछे, आदि हुए हैं ना, ये देखें। देखें फ्रेंड कैसे कबूतर आ गए सारे, ये देखें यहाँ पे सारे कबूतर वगैरह रखे हुए, ये यहाँ फिरते रहते हैं बैठे रहते हैं। ये देखें यहाँ इनके गुड्डे वगैरह, वो कमरा बना के दिया हुआ है इनको, यहीं बैठे रहते हैं ये खुले फिरते रहते हैं। देखें कैसे दाना खाने के लिए आ गए हैं कबूतर, देखें। आह आह सिर्फ गंदों में, वो देखें वो कबूतर आ गया, वो देखें ये देखें ये वाला है, ये वाला सब्ज़ परा, पता नहीं यार किसका आ गया है। बस बैठा रहेगा, दाना पानी खाएगा, अपने नसीब का, उड़ना होगा उड़ जाएगा, नहीं तो यहीं फिरता रहेगा। मैं तो रात को भी कबूतर बंद नहीं करता, किटी भी यहीं कहीं होगी। ये देखें भाई, ये छोटा सा शौक है, अपनी मर्ज़ी से फिरते रहते हैं। इसमें से एक कबूतर आपको मैं दिखाता हूँ, वो भी इसी तरह आया था, वो यहीं कहीं बैठा होगा। ये है ये पीला कबूतर आया अभी, ये भी इसी तरह किसी का भाग के आया हुआ था। बस इसके ये देखें नहा रहे हैं, अब देखें कबूतर, देखें जैसे मैंने पानी का कटोरा भर के रखा है बड़ा सारा कुनाली, ये घर के पट्टे वगैरह निकले हुए हैं, ऐसी मिक्सिंग में निकल आए हैं। ये देखें कैसे नहाने लग गए हैं, ये देखें जो जो मेरे घर के अच्छे कबूतर हैं उनके मैंने थोड़े थोड़े पर कट किए हुए हैं ताकि बाहर उड़ वगैरह ना जाएँ, क्योंकि सारी तरफ बिल्डिंग है चारों तरफ, तो इसलिए अगर ये उड़ जाएं तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो पट्टे हैं छोटे मोटे हैं वो तो खैर कहीं नहीं जाते, वो तो फिर वो, बल्कि आपको किटी भी दिखाता हूँ आज मैं अपनी, वो बैठी है मेरी किटी, ये पूरा दिन कबूतरों के साथ खेलती रहती है। ये देखें किटी, देखें हाँ ये देखें, ये घर की पालतू है, ये कुछ नहीं है, घास खा रही है, इसका लगता है पेट ख़राब हुआ बड़ा। और ये छोटा सा मेरा एक और शौक है, ये जायंट अंगोरा रैबिट्स रखे हुए हैं मैंने, ये देखें माशाल्लाह से जी, ये देखें जी, ये इसको सेब डाला हुआ है, बाकी इसके अलावा पत्ते छत्ते जो बाकी इनकी फीड होती है चोकर चोकर वो डालते हैं हम। इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा एक। अभी मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ कबूतर, देखें कैसे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये देखें नहा रहे हैं कबूतर। ये देखें जी आ गए हैं, भूखे हैं कबूतर आज बहुत ज़्यादा। ये देखें जी आपको, बल्कि इनकी खुडी भी दिखाता हूँ आज मैं,
ये मैंने कुछ फैंसी भी रखे हुए हैं, ये सेटिनाइट है, ये देखें ये कमरा है, ये बस फालतू कमरा था तो मैंने यहाँ पे कबूतर रख दिया। तो रात को बल्कि ये जाली वगैरह खुली रहती है, बंद नहीं करता मैं इसको। ये अंडे वगैरह दिए हुए कबूतरों ने। बाकी ये मैंने गमला रखा था, ये देखें इसमें भी अंडे दिए हुए, बच्चे निकलने वाले हैं बल्कि इसके। तो ये देखें फीमेल बैठी है, इसका मेल लेके आना है इंशाल्लाह। बाकी एक ये बड़ा पिंजरा है, ये चेक कर सकते हैं आप, ये दो बच्चे निकले हुए हैं सब्ज़ तोकों के। बस इसकी सफाई वगैरह नहीं कर सका मैं। और ये देखें ये लाल शराजियों ने बच्चे निकाले हुए हैं। बाकी ये पानी की कुनालियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, ये पूरा दिन घूमते हैं फिरते हैं बैठे रहते हैं। अब ये देखें नया कबूतर आया जो ये नहाने भी लग गया, देखें ये पूरा दिन खुले फिरते रहते हैं। और बस इनको थोड़ी सी गंदम डाल देते हैं, बाकी जो घर का बचा खुचा सालन सब्ज़ी रोटी जो भी होती है वो इसको चूर के डालता हूँ मैं। ये देखें नहाने लग गया, वो देखें बिल्ली भी बैठी है मेरी। ये किटी है, छोटा सा बच्चा लेके आया था, अब ये माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। तो है ये दोगली, बाकी ये देखे कबूतर इसके बेखौफ होके फिरते रहते। किटी इधर आओ, नहीं आती भाई, मूडी है, रात को सांस हो जाती है, यहाँ पे बैठी रहती है। ये देख सकते हैं पूरा फ्री ऑफ रेंज है, कबूतर फिरते रहते हैं। ये कुछ ये देखें गंडेदार है, लक्के वगैरह रखे हुए हैं, कुछ सब्ज़ शराजी हैं, लाल शराजी हैं, तोगे हैं, बस इस तरह के। ये देखें पत्तों के साथ खेल रही है, देखें कैसे किटी। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, वो फीड के ऊपर वीडियो वगैरह बनाऊंगा, आपको बताऊँगा फीड वगैरह क्या देनी चाहिए कबूतरों को, क्या क्या इनकी एहतियात है। ये मेरा पूरा दिन फिरते रहते हैं खुले बेखौफ होके। अब ये देखें नया कबूतर आया जो ये भी नहाने लग गया, अपना घर समझ रहा है। इसी तरह एक कबूतर आया था, ये लाल बैठा है अंदर नहा रहा है, तो वो भी इसी तरह कबूतर आया था। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियो मिले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान।